There are many fashion content creators and there are many influencers but someone who's truly been able to influence and make her mark at the Cannes Film Festival if you would have noticed on the red carpet Nancy Tyagi the beautiful gown that she had worn in baby pink and then a sari with a veil all stitched and done by herself Nancy एक उत्तर प्रदेश दिल्ली की लड़की सीलमपुर से अब कपड़े खरीदती है और फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके अपना जो एक सपना पूरा करती है मुझे एक चीज़ बताइए कि कैसे उस लड़की ने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ अलग करूंगी और कर सकती हूँ मुझे ना मेरी मम्मी को फैक्ट्री में से हटाना था वो। तो फिर वहाँ काम करती थी फैक्ट्री में कुछ बताए उसके बारे में उधर मम्मी काम करती थी और तभी लॉकडाउन लग रहा था तो ये टेंशन थी कि अभी लॉकडाउन प्रॉपर लग जाएगा पूरा कि वो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी तो फिर किधर जाएंगे तो हमारे पास कुछ पैसे थे कि जो हमने अपनी पढ़ाई के लिए रख रखे थे तो हमने सोचा अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर इनमें घर चलना शुरू हो जाएगा जो मैंने पढ़ाई के लिए रख रखे हैं तो मैं उससे कैमरा ले, ले लेती हूँ वो मेरे पास ही रहेगा पूरी ज़िंदगी मैं उससे वीडियो बनाऊँगी तब तक मैं हो नहीं जाऊँ तो ऑप्शन में ये नहीं था कि मुझे होना नहीं है मुझे जब मैं कैमरा लेने भी जा रही थी मुझे तभी था मैं एक दिन तो पक्का हो जाऊँगी पक्का पर टाइम कितना लगेगा इस चीज़ का स्ट्रेस रहता था बस कि मम्मी कितना टाइम और अभी काम करेंगी और करते करते पहले तो ये वाली वीडियो नहीं बनाते थे कि मैं अपना डिज़ाइन बना रही हूँ पर करते करते भगवान जी ने इशारा दिया कि ये करना है तुझे तो अभी उस लाइन में मैं चलूँगी अभी फैक्ट्री में कपड़े का ही काम करती थी या कुछ और काम करती थी नहीं उधर काम सही नहीं था कुछ नहीं था। <laughs> फिर लेकिन आपको कैसे लगा कि कपड़ा खरीद के बनाना खुद से जैसे फैशन डिजाइनर करते हैं क्योंकि आपने शायद पढ़ाई तो नहीं की है खुद से सीखा है तो कैसे आपने सोचा ये मुझे करना चाहिए मैं वीडियो बनाती थी नॉर्मल मीसो की मैं अच्छा। बनाती थी पहले बड़ी अजीब सी वीडियो थी और मैं फ्री जब रहती थी तो मम्मी की एक साड़ी पड़ी थी मैंने उठा के ऐसे ही रैंडमली मशीन रखी थी बना लिया वो वीडियो वायरल गई तभी भी मेरे दिमाग ने ऐसे नहीं सोचा कि वायरल गया अभी मुझे और बनाऊँ पर मैं बीच बीच में मीसो भी बना रही हूँ कभी कभी टाइम मिला मैंने और कुछ भी सिला एक टाइम आ गया कि मनु को मुझे सारा हुआ कि अभी बस यही करना चाहिए हाँ अभी मीसो को साइड रखो और अभी बस यही करते जाओ करते जाओ लेकिन ऐसा तो बहुत लोग बनाते हैं क्यों आपको लगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव आय तो है जो आप खरीदती है कहीं से भी खरीद के और उसको आप क्या बना देती हैं जो टॉप फैशन डिजाइनर्स बनाते हैं तो ये स्किल कहाँ से सीखा ये तो मुझे भी नहीं पता किधर से आया मैंने सीखा नहीं कहीं मेहनत कर, 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 कर हाँ अभी करते करते सीख रही हूँ पर मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ तो ये किधर से हो रहा है तो सोचती हूँ ये मेरी किस्मत में लिखा था ये खुद पे खुद हो रहा है अगर आप ऊपर वाले में मानते हो तो ऊपर वाले का एक हाथ हाँ भी है। हाँ वरना मैं, मैं मानती हूँ मेरी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया पर इस वाली चीज में प्रॉपर साथ दे रहा है तो आप खुद बैठ के उनको क्राफ्ट करती थी बनाती थी स्टाइल अपने ऊपर ट्राई करती होंगी काफ़ी हाँ पहन पहन के देखती थी अभी कितना सही है कितना फिटिंग देना है और अभी तक मैं लोगों की ही करती थी अभी मैं खुद के बनाना स्टार्ट करूँगी डिजाइन तो जब आप कांस पे आई और लोगों ने नोटिस किया ये कौन है इनका गाउन तो जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स हैं चाहे ऐश्वर्या राय हो कियारा हो सोनम कपूर है वहाँ पे आपका गाउन आपके कपड़े एक बार नहीं बार बार नोटिस होना और बहुत ही क्यूट थी जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुंचूंगी लेकिन वो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए बहुत अच्छा था मैं उधर भी यही बोल रही थी इतने बड़े सपने नहीं थे मेरे जितने भी हो रहे हैं तो अभी बहुत सारी चीजें हो गई मेरे साथ अभी सोचने का टाइम भी नहीं है कि कितना बड़ा कर दिया मैंने सभी को आज वो मम्मी फैक्ट्री में तो अब नहीं होंगी <laughs> तो मम्मी को कैसा फील रहता है कि उनकी बेटी आज जितना लोग उनके बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं मम्मी को कल मैंने वीडियो दिखाई अपने जो लोग बना रहे हैं मेरे बारे में पूरी खुश हैं देख रही हैं मजे में हम बी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं <laughs> कितनी खुश है अभी और काफी लोग जब अप्रिशिएट तो कर रहे हैं लेकिन सोनम कपूर ने भी कहा शेयर करके कि मेरे लिए भी कुछ बनाओ नानसी क्या कि सोनम कपूर के लिए वो तो फैशन आइकॉन है उनको मेरी साड़ी पसंद आई तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा ही बनाऊंगी कुछ रंग सोचा आ, है आ, आ, रंग तो नहीं अभी पर डिजाइन कुछ ऐसा ही मुझे पता चल गया की उनको क्या चाहिए तो कुछ ऐसा ही जैसा मेरा साड़ी वाला लुक लोग बताओगी वो कैसा था साड़ी जो आपको लगता है सोनम कपूर पे अच्छा लगेगा वो मैंने उसमें टोपा बनाया था ऊपर हुड़ी जैसे और पल्ला था बड़ा वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि इंडियन टच भी मुझे देना था बाहर जाके कि साड़ी सबसे सही थी तो उनके लिए भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ कि सर पे पल्ला लंबा सा कुछ बल साड़ी पर ऊपर लगे थोड़ा सा उसमें अलग टच अपना हाँ तो जब आप कांस में गई जब आप इतना अब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लगा कि टैलेंट भी है मुझ में मैं बना भी पा रही हूँ वीडियोस भी वायरल हो रही हूँ कभी लैंग्वेज का बैरियर आपको लगा मैंने देखा आप इतने कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात करते हो जहाँ सब लोग फराटे से इंग्लिश में भी बात करते हैं कभी आपको वो उस चीज की हिचक हुई या आपको लगा ये मेरे बीच में नहीं आना चाहिए अभी अगर मैं हिचक करने लगूंगी तो बोलूंगी कैसे फिर अब मुझे जो आता है वही तो बोलूंगी मुझे ये तो कभी नहीं लगा कि इस चीज पे थोड़ा सा भी डरना चाहिए एक तो भाषा आती है उसी को नहीं बोलूंगी गुंगी थोड़ी हो जाऊंगी मैं फिर ये कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आता है नैन्सी त्यागी में बहुत यंग लड़कियाँ आपको सुन रही होंगी और वो भी शायद कुछ करना चाहती होंगी अपनी लाइफ के साथ उसके बारे में मुझे बताइए कि वो मैसेज क्या देंगे क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो असली यही है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी भी बदल रहे हैं और साथ में लोगों देख रहे हैं वो भी अपनी जिंदगी ऐसे बदल सके मेरा भाई है वही बोलता है एक लैंग्वेज तो नहीं आती और तो सब कुछ आता है तुझे तो मोटिवेट करता है मुझे बहुत तो मुझे नहीं लगता कि अगर इतना कुछ बड़ा मैं कर रही हूँ और एक बस हिंदी की वजह से मैं खुद को सोचू की मुझसे कुछ नहीं हो रहा तो हिंदी एक लैंग्वेज ही तो है कुछ वही तो चीज़ थोड़ी है वेरी गुड वेरी गुड और ये बात सही है ये तो खुद में एक प्राइड लेने वाली बात है अब एक आखिरी सवाल क्योंकि जब आप सोचते हैं जाते हैं क्रिएटिव स्टाइल जब आप सोचते हैं तो कैसे इस क्रिएटिविटी को आगे ले जाओगी अपने लिए क्या सपना देखती हो अपने परिवार के लिए क्या सपना देखती हो नैन यही अभी मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं हमारे लिए कुछ बना दे हमारे लिए बना दे ऐसे ही कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो इसीलिए अभी मैं सब लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी कि मैं खुद सबके लिए बनाऊँ बहुत आगे बढ़ो और बहुत अच्छे से बनाओ ऑल द बेस्ट नेंसी मैं को कहूंगी में मैं नोटिस करूंगी आगे कुछ साल कैसे रहेंगे तुम्हारे आज भी जो इन्होंने पहना है खुद ही बनाया हाँ, ये सस्टेनेबल फैब्रिक से मैंने बनाया है ये हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक कॉटन है और <laughs> ये मैंने बड़ा सिंपल रखा है मेरे तीन लुक तो रेड कारपेट वाली वाई भी है पर ये थोड़ा सिंपल रखे है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अभी कि इतना ज़्यादा दो महीने में मैंने चार आउटफिट बनाने थे तो तीन रेड कारपेट रखे हैं इसको हल्का सा मैंने कम करा टाइम दिया ऑल द बेस्ट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता बस अपना काम आगे करती जाओ बढ़ती जाओ ध्यान रखिएगा नैन् त्यागी जो कांस फिल्म फेस्टिवल पे अपनी अपियरेंस से बहुत मशहूर हुई पर जहां से इन्होंने शुरू किया जहां ये जाती हैं और उसको बदल देती हैं, उसको कैसे वो फैशन आइकॉन की ड्रेस बनाती है ये क्रिएटिविटी ये स्पार्क इन्होंने दिखाया ऑल द बेस्ट